नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग गुरु में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो जो गेहूं पे है, और ये गेहूं पे वीडियो है कि जिन हमारे किसान भाइयों की गेहूं जो है, गेहूं की पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं, उसी पे हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे गेहूं की पत्तियां पीली पड़ने के कारण और उनके उपाय। तो पहले तो किसान भाइयों, हम गेहूं की जो पत्तियां पीली पड़ जाती है उनके कारण की बात करेंगे कि किस कारण से हमारी ये गेहूं की पत्तियां जो है पीली हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम इसके उपाय के बारे में बताएंगे कि हमें इसके क्या उपाय करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे देख रहे हैं, वैसे मेरे गेहूं की पत्तियां इतनी पीली नहीं है, कहीं कहीं पे है। तो जैसे मैं आपको दिखा सकता, बहुत से किसान भाइयों की पत्तियां जो है इस तरह से पीली पड़ जाती है, जैसे आप वीडियो में इसमें देख रहे हैं, ये गेहूं की पत्तियां ऐसे पीली हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, ये क्या होता है, जब हम पहली सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद हमें अपने गेहूं में देखने को मिलता है कि हमारी गेहूं की पत्तियां बहुत सी जगह से जैसे पीली पड़ने लगी हैं। तो किसान भाइयों, कारण क्या होता है कि गेहूं की पत्तियां पीली पड़ने का कारण ये होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो जिस खेत में हम सिंचाई करते हैं, अगर उस खेत में पानी 2-4 दिन रुका रहता है तो हमारी जो गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो या पानी ना भी रुके, अगर हम गेहूं की अपने खेत में सिंचाई करते हैं और उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर तगड़ी बारिश हो जाती है और पानी रुक जाता है, तो इस वजह से भी हमारी गेहूं की पत्तियां जो की है पीली पड़ने लगती हैं। तो यही कारण है कि गेहूं की पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो किसान भाइयों, यही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब उसके हमें उपाय के बारे में भी बात करेंगे कि गेहूं की पत्तियां पीली पड़ती हैं, उसके क्या उपाय हैं। तो पहला कारण तो यही हो गया कि हमारे खेत में पानी अगर ज़्यादा रुक जाता है तो उस कारण, और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर हमारे खेत में नमी है ज़्यादा और हम सिंचाई अगर ज़्यादा कर देते हैं तब भी हमारी गेहूं की जो पत्तियां हैं पीली पड़ जाती है। अगर हमारा खेत नमी वाला है और हम उसमें पानी की सिंचाई ज्यादा कर देते हैं तो इस वजह से भी गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कहाँ बीच बीच में पत्तियां पीली हैं गेहूं की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये गेहूं की पत्तियां जो है पीली है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा खेत नमी वाला है तो हमें उसमें सिंचाई कम करनी है। तो किसान भाइयों, अब हम इसके उपाय के बारे में बात करेंगे कि इसके हमें क्या उपाय करने हैं। तो अगर किसान भाइयों, आपके खेत में भी आपकी गेहूं की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, तो आपको पहला उपाय क्या है आपको करना है, अगर आपका खेत नमी वाला है और पानी रुकता है तो आपको उसमें कम सिंचाई करनी है। अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो अगर पानी उसमें ज़्यादा रुक जाता है तो उस पानी को निकाल दीजिए, कोई निकास किसी तरह से भी उसको निकाल दीजिए और आप उसमें सिंचाई कम करिए। और अगर आप सिंचाई कम करेंगे तो पानी नहीं रुकेगा, जिस वजह से हमारी गेहूं की जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं पड़ेंगी। तो दूसरा किसान भाइयों उपाय है कि अगर हमारी गेहूं की पत्तियां इस तरह से पीली हो जाती हैं तो हमें क्या करना है कि गेहूं की सिंचाई होने के बाद पानी सूख जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, यूरिया लेके, यूरिया की जो है जो हमारे जो गेहूं के तने हैं पीले पड़ गए हैं तो उस पर स्प्रे कर देनी है। स्प्रे आपको किसान भाइयों कैसे करनी है, 2.5 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसकी स्प्रे कर देनी है। अगर उसकी आप स्प्रे कर देंगे तो जैसे कि जो हमारे गेहूं की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वो रुक सकती हैं। और गेहूं की पत्तियां पीली पड़ने की वजह होती है कि जैसे पानी ज़्यादा लगा रहना और पानी रुक जाना, इस वजह से गेहूं की पत्तियां पीली हो जाती हैं। अगर आप ये दूसरा उपाय जो है 2.5 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो 10-12 दिन में आपकी वो पत्तियों का रंग बदल जाएगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाली घंटी को दबा लेना। धन्यवाद।